एक्चुअली इनिशिएटिव आज नहीं है, ये मैं हमेशा से ही डॉग्स को फीड करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो एनिमल्स हैं वो स्पीचलेस होते हैं, कुछ नहीं बोल सकते, और इनके पास ना तो दिमाग होता है मैनिपुलेट करने का, ना ही इनको पास कोई प्रॉपर्टी है, ना सोर्स ऑफ इनकम है। जो हम इनको खिला देते हैं वो उसी में ही खा के खुश हो जाते हैं, और बहुत अनकंडीशनल, स्पेशली अब डॉग्स की बात करें तो अनकंडीशनल लव क्या है वो हम उनसे सीख सकते हैं। तो इसलिए मेरे को हमेशा एक स्पेशल अटैचमेंट रहा है एनिमल से, डॉग से, तो इसलिए ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मैं जहाँ पे भी रहती हूँ मैं डॉग्स को खाना खिलाती हूँ, और जो ये मैंने अभी 21 डेज रेगुलरली किया था सिद्धार्थ शुक्ला जी के नाम से, बिकॉज जब मुझे पता चला कि उनकी सोल से बात हुई है और वो डॉग के बारे में सोच रहे हैं, तो क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जो जाने वाला होता है उसकी आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाती है। तो मैंने अपनी तरफ से एफर्ट किए हैं, ये तो यही है। मैम इसके अलावा बिग बॉस भी चल रहा है, तो आपको लगता है कि बिग बॉस को एक ट्रिब्यूट देना चाहिए था सिद्धार्थ शुक्ला को? यस, देना चाहिए था। इनफैक्ट OTT पे तो उन्होंने दिया था, मुझे यहाँ का नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग टिल नाउ। मैं थोड़ा आगे जब थोड़े कम लोग हो जाते हैं तब फॉलो करना शुरू करती हूँ, बट यस क्योंकि बिग बॉस कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी, मतलब वो सिद्धार्थ शुक्ला एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे, जिस तरह से उन्होंने सीजन 13 को ही वॉज TRP किंग, और शहनाज और सिडनाज ये सब जो हुआ था उसकी वजह से सीजन 13 जैसे मैंने पहले भी बोला है कि 4 होता है, तो 4 जो राहु है वो लाइमलाइट में लाता है हर चीज़ को, तो वो भी एक रीज़न था। प्लस फिर वैसे ही कंटेस्टेंट भी थे जिन्होंने अपनी पूरी एफर्ट डाली टू एंटरटेन ऑल द व्यूअर्स, तो मेरे ख्याल से वो ना एक ब्रांड एम्बेसडर हम हैं और हमेशा रहेंगे। ऑल्सो जैसे लास्ट टाइम हम लोग की बात हुई थी कि शहनाज को अब जो है काम करना शुरू कर देना चाहिए, और अभी जो है वो फिल्म के प्रमोशन में भी दिखाई दे रही है, तो ये अच्छे साइन हो सकते हैं शहनाज की करियर के लिए? हाँ वो बिल्कुल अच्छे साइन है। मैंने जैसे बोला है कि 41 डेज से पहले कोई भी पैटर्न को हम ब्रेक कर सकते हैं बहुत ईजीली, तो वो 41 डेज से पहले आ गई हैं यू नो प्रमोशन में और दिख रही हैं अब सबको, और वो मैं उसका एक प्रोफेशनलिज्म भी कहूँगी। अगर आप वो वीडियो देखेंगे जो बहुत वायरल हो रहा है, वो हंस रही है पर उसकी जो स्माइल है वो आँख तक नहीं पहुँच रही, तो दैट मीन शी हैज़ हिडन ऑल हर यू नो जो भी दुख है उसको अंदर से, जो उसके लिए इतना बड़ा लॉस हुआ है लाइफ में, उसको छुपा के फिर भी वो एक स्माइलिंग फेस पुट अप करके गई है मीडिया के सामने प्रमोशन करने, ऑडियंस के सामने, लोगों के सामने, अपने फैंस को कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि उसके फैंस भी यू नो दे वर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। आल्सो हमने देखा था कि बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ और असीम की बहुत ज़्यादा फाइट होती थी, लेकिन जब सिद्धार्थ की डेथ हुई, जब वो चले गए हमारे बीच से, तब असीम पहले जो है वहाँ पर ऐसे इंसान थे जो पहुँचे थे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में पहुँचे थे पर बाहर खड़े रहे थे। मेरे को सीरियसली ये समझ में नहीं आया, क्योंकि जब सिद्धार्थ इनिशियली उन दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड दिखाया था, तो सिद्धार्थ हमेशा उसको बोलते थे तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, और फिर पारस के प्रवोक करने पर, क्योंकि वो बोलता था कि ये तो तुम तो उसकी यू नो पूंछ जैसे लग रहे हो या शैडो बन गए हो, तो उसको प्रूव करने के लिए उसने अननेसेसरी बहुत सारे फाइट्स पिकअप करी, बहुत कुछ बोला गलत। जब एक बंदा इनिशिएट करता है तो दूसरा भी कुछ ना कुछ बोलता है, तो दोनों की तरफ से बहुत सारी ऐसी अनप्लेजेंट बातें हुई। उसके बाद मैंने कभी कहीं पे भी, हमने सोशल मीडिया पे उनकी कोई इकट्ठी पिक्चर नहीं देखी, हमने कोई कुछ भी ऐसा नहीं देखा जो दिखाए कि ये दोनों में आपस में बॉन्डिंग हो गई है। इनफैक्ट जो पोस्ट पार्टी भी हुई थी बिग बॉस की, आई थिंक सिद्धार्थ ने दी थी, उसमें भी ही वॉज नॉट इन्वाइटेड। तो फिर अचानक से वो आ गए, मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, मतलब बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन था कि अभी कैसे इसको अचानक से यू नो इतना हो गया। मैं मानती हूँ जब कोई भी दुख में रहता है तो हम सब उसको सपोर्ट करने पहुँच जाते हैं, तो सपोर्ट करना होता है, तो जैसे और भी सेलिब्रिटीज़ गए थे, राहुल वैद्य भी वहाँ पहुँचे थे, राखी सावंत भी थी, निक्की तंबोली भी गई थी, तो सब अंदर थे, सब अंदर अब उनकी मदर से मिले और आ गए। ये आसिम का मुझे एक कंसेप्ट समझ में आया, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द कूपर हॉस्पिटल, सो व्हाट ही वॉज ट्राइंग टू डू आई डिडंट गेट इट। राइट, ऑल्सो आपको लगता है कि
जैसे आपने कहा कि ये एक जो है स्टंट भी हो सकता है खुद को प्रमोट करने के लिए या फिर दिखाने के लिए कि मैं सिद्धार्थ का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, हो सकता है, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या था। जो ऑडियंस है एज अ व्यूअर, मुझे ये लग रहा था कि आज तक आपकी आपस में कभी बात नहीं हुई, इतने 2 साल हो गए बिग बॉस को। और अगर आप देखेंगे तो सिद्धार्थ को हमेशा बिग बॉस में वापस वापस बुलाया गया, उन्होंने वीकेंड का बार भी होस्ट किया था। ही वॉज नेवर इन्वाइटेड, ही वॉज नॉट इन दैट मच लाइमलाइट। तो हो सकता है उनके दिमाग में ऐसा कुछ हो, बट व्यूअर्स को तो यही लगता है कि अचानक से इतना प्यार कैसे। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैंने जैसे पहले भी बोला कि किसी के घर में भी दुख तकलीफ होता है तो हम चाहे उसको लाइक करें या नहीं करें, हम पहुँच जाते हैं सांत्वना देने के लिए परिवार को, बाहर मीडिया को। लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, असिम को बहुत लोगों ने देखा है लेकिन न्यूमरोलॉजी वाइज वो कैसे इंसान है, अगर थोड़ा सा आप उनको बता पाए। न्यूमरोलॉजी वाइज उनका 13 नंबर है जो कार्मिक नंबर होता है, फिर राहु का नंबर होता है। राहु थोड़ा सा लोग इंसान के माइंड को मैन्युपुलेटिव कर देता है, जहाँ पे जो चीज़ उनको लगे कि हाँ मेरे लिए अच्छी रहेगी वो वैसे ही करते हैं। तो यही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।